गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ खुशी फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पतली डाबर सिरसा। आज मेरा यूनिक वैल्यू थ्योरम पे मॉडल है। फर्स्ट मॉडल मेरा ये था, इस तरह के मॉडल आपने बहुत से देखे होंगे। अब मैं मीन वैल्यू थ्योरम को अपने यूनिट मॉडल के थ्रू रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो मीन वैल्यू थ्योरम के लिए हमें कुछ कंडीशन चाहिए होती है। तो फर्स्ट कंडीशन होती है, फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए एंड बी। तो सबसे पहले हमने एक्स वाई प्लेन लिया, इसके ऊपर एक कर्व ड्रो की। तो आप देख सकते हैं फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। ये मैं इसके अंदर एक रिंग पास आउट करके दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं इसमें कोई भी रुकावट नहीं आ रही। तो ये शो कर रही है फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है इन क्लोज इंटरवल ए एंड बी। After all, according to second condition, function हमारा differentiable होना चाहिए a और b के open interval में। तो open interval का मतलब क्या है? a और b, यानी a और b boundary points पे हमारा function differentiable नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम infinite tangent draw कर सकते हैं। तो हमने curve में जैसे point लिया, यहाँ पे tangent draw किया, यहाँ पे only एक ही tangent draw हो सकता है। तो इससे शो होता है कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है ए और बी के ओपन इंटरवल में। आफ्टर सेटिस्फिकेशन ऑफ टू कंडीशंस हमें ए पॉइंट सी कर्व में ऐसा मिल जाता है कि जिस पर अगर हम टेंजेंट ड्रो करें तो वो ए बी लाइन के पैरेलल होगा, और ये ए बी लाइन हमें बाउंड्री पॉइंट्स को मिलाने पर ही मिली है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो इनकी स्लोप भी इक्वल होगी। तो इसकी स्लोप है एफ डैश सी और ए बी लाइन की स्लोप होती है टेन थीटा। तो आप देख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। टेन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। परपेंडिकुलर है एफ बी माइनस एफ ए, और यहाँ पे बेस होगा बी माइनस ए। इस तरह से एफ डैश सी इक्वल होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। इस तरह से हमारी मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई होती है। अगर यही हमारी मीन वैल्यू थ्योरम रोल्स थ्योरम बन जाती है अगर ये डिफरेंस जीरो हो, यानी एफ ए इक्वल होगा एफ बी के। इस तरह से इस मॉडल के माध्यम से हम मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। थैंक यू।